ये है पोको XI 5G और इसको खरीदने के बाद मेरे दिल से बस एक ही आवाज आती है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राइट सिंडिकेट में। मेरा नाम है राज, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ना। तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए लेके आ गया ओप्पो X5 5G। तो चलिए इसके अनबॉक्सिंग करते हैं और जानते हैं क्या इस प्राइस रेंज में ये वैल्यू फॉर मनी फोन है। तो पूरी डिटेल्स के साथ मैं आपको इस फोन के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए फटाफट इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसमें आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है, एक पोथी पत्रा और एक केस कवर आपको देखने को मिल जाता है, और इसके नीचे आपको फोन देखने को मिलता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं इसको रखते हैं साइड में। और इसके नीचे आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है टाइप ए टू टाइप सी केबल के साथ में। तो चलिए सबको रखते हैं साइड में, बात करते हैं अपने फोन की। तो डिजाइन आपको सब सेम ही देखने को मिलता है, जितने भी आप पोको के बजट स्मार्टफोन देखेंगे मोस्टली आपको डिजाइन ऐसा ही देखने को मिल जाता है। और ये थोड़ा सा लेकिन पतला बनाया हुआ है, 7.9 mm की आपको इसमें थिकनेस देखने को मिल जाती है। और ये आता है प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ में, 181 ग्राम का आपको इसका वेट मिल जाता है। और ये आता है IP53 रेटिंग के साथ में, मतलब हल्का फुल्का पानी का छिटा भी लगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इससे जल्दी जीवन से जितना दूर रखेंगे उतना ही इसके सेहत के लिए ज्यादा बढ़िया रहता है। पावर ऑन ऑफ बटन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि बढ़िया तरीके से काम करता है, और उसके ऊपर आपको वॉल्यूम बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट, माइक और एक सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। लाउडनेस काफी अच्छी है इसकी, बट अगर आप फुल साउंड पे सुन रहे हो तो थोड़ी बहुत आवाज इसकी फटती है। और इसके टॉप पे आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, और उसके बाजू में आपको एक आयर ब्लास्टर मिल जाता है, मतलब एसी और टीवी का रिमोट का खर्चा बच जाता है। और इसके फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है, स्क्रीन गार्ड लगा हुआ आता है तो थोड़ा बहुत स्क्रेच से बच जाता है, बट आप अच्छी क्वालिटी का ग्लास इसमें जरूर यूज कीजिए, सेफ्टी के तौर पर ज्यादा बढ़िया रहता है। इसमें आपको 6.7 इंच फुल HD प्लस 120Hz का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी बढ़िया है, इवन कलर वगैरह भी इसमें काफी आपको बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। वाइड बैंड N1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो नेटफ्लिक्स और Amazon पे आप HD कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं, बट इसमें आप YouTube पे 1080 ही वीडियो देख सकते हैं, 4K का सपोर्ट आपको इसमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसके प्रोसेसर की लिमिटेशन ही उतनी है। 1200 nits की आपको इसमें पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो आउटडोर में भी आप इसे आसानी से यूज कर पाएंगे। तो ये देखिए मैं डायरेक्ट इसे सनलाइट में यूज कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कितना विजुअल डिस्प्ले है। आउटडोर में भी आपको इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए बात करते हैं इसमें परफॉर्मेंस की। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, ऑक्टोकोर 2.2 GHz के साथ में, LPDDR4 की रैम मिल जाती है, UFS 2.2 का स्टोरेज मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस वगैरह आपको अच्छी मिल जाती है। इवन आप इसमें अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हो, फ्रेम ड्रॉप वगैरह भी आपको उतने ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, काफी स्टेबल गेम प्ले हो जाता है, बट ज्यादा हैवी गेमिंग के लिए मैं नहीं बोलूंगा ये फोन है। इसमें आपको MIUI 13 देखने को मिलता है जो कि रन करता है एंड्रॉइड 12 पे, एटलीस्ट इसमें आपको एंड्रॉइड 13 तो देना चाहिए था क्योंकि अभी के जितने भी लेटेस्ट फोन आ रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 ही देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा, यानी 13 और 14 का आपको अपडेट मिलेगा, बट फिर भी अगर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 दिया रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता। इसमें आप दोनों सिम कार्ड में 5G यूज कर पाएंगे, 7 5G के आपको इसमें बैंड मिल जाते हैं, ब्लूटूथ वाईफाई FM रेडियो, और इसमें आपको सारे सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें आपको MIUI का डायलर मिलता है, मतलब सामने वाले के कान में बिना खबर लगे ही आप इसकी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें कैमरे की। तो इसमें आपको 48 MP का मेन कैमरा मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का आपको माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको 13 MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है। दिन में तो इसका कैमरा ठीक है, बट अल्ट्रा वाइड में आपको उतनी बढ़िया पिक्चर वगैरह क्वालिटी नहीं मिलेगी, और रात के टाइम में मेन कैमरा भी ऐसा लगता है कि 6-7 हज़ार वाले फोन से फोटो निकाली गई है। और सेल्फी कैमरे का भी वही हाल है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो भाई बादल घूमने चले गए हैं, कुछ भी दिखता नहीं है। पोर्ट्रेट मोड में भी आपने वही देखा, एक कान में रखा गया है। तो चलिए बात करते हैं इसमें बैटरी की। इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है, तो बैटरी से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो आपको 1 से 1.5 दिन तक बैटरी पैकअप आराम से मिल जाएगा, अगर आप हैवी भी यूज करते हैं तो आपको 8 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है। ओवरऑल फोन की बात करो तो फोन आपको बढ़िया मिल जाता है, बट अगर आप इसे कैमरे के लिए बाय कर रहे हो स्पेशली, तो भाई मेरा सजेशन रहेगा इसे दूरियां बना लो, वही बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप बाय करने के बाद मेरी तरह बस यही बोलोगे कि। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।